हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने शुद्ध शुक्र के लक्षण तक बात कर ली थी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या शुद्ध शुक्र के लक्षण बताए गए हैं, वहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली थी विद श्लोक। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अशुद्ध शुक्र के लक्षण क्या होंगे, कि अगर कोई जो शुक्र है वो अशुद्ध है, ठीक है, शुद्ध नहीं है, तो उसके क्या लक्षण होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आचार्य चरक के अनुसार देखते हैं। फेनिलम तनु रूक्षम चा विवर्ण पूति पिछलम अन्य धातुपन संसृष्टम अवसादी तथा अष्टमम, ठीक है। तो फेनिल, पहला टर्म है फेनिल। फेनिल का मतलब होता है झागदार। जो अशुद्ध शुक्र होता है ना, वो झागदार होता है और तनु होता है, यानी पतला होता है, डाइल्यूट पतला होगा और रूक्ष होगा, ठीक है, ड्राई होगा, सूखा हुआ होगा, विवर्ण होगा, यानी उसका कलर जो है वो उड़ गया होगा, डिसकलरेशन, कोई कलर नहीं होगा, ठीक है, डिसकलर होगा, विवर्ण होगा, पूती और बैड स्मेल वाला होगा, ठीक है, और पिछलम यानी लिछड़ेदार होगा, ठीक है, पिछिल होगा, और अन्य धातुपन संसृष्टम अवसादी, अन्य धातुओं के साथ मिला हुआ आएगा, ठीक है, अन्य धातुओं के साथ मिला हुआ आना, ये भी अशुद्ध शुक्र के लक्षण है। तथा अष्टमम, आठ, जो आठ लक्षण बताए हैं आचार्य चरक ने अशुद्ध शुक्र के, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक है, ठीक है। तो इस श्लोक को जो है अच्छे से याद कर लेना है, और शुद्ध शुक्र के लक्षण का भी श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट था, वो आपको याद कर लेना है। तो आठ जो लक्षण बताए हैं अशुद्ध शुक्र के आचार्य चरक ने, फेनिल तनु रूक्ष विवर्ण पूति पिछिल अन्य धातु के साथ मिला हुआ आना और अवसादी। फिर आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि अशुद्ध शुक्र के क्या लक्षण होंगे। तो वात पित्त श्लेष्म शोणित कुणप गंधी ग्रंथि पूति पूय क्षीण मूत्र पुरीष रेचा प्रजोत्पादने ना समर्था भवंती, ऐसा उन्होंने कहा है। यानी वात पित्त श्लेष्म, ठीक, वात पित्त का भी आपके तीन दोष हो गए, वात पित्त श्लेष्म, यानी वात पित्त का भी आपके तीन दोष हो गए, सोणित यानी रक्त, कुणप गंदी यानी बैड स्मेल, ग्रंथि यानी गांठदार, पूती यानी बैड स्मेल, पुए बैड स्मेल, छीण यानी छीण हुआ, कम हुआ, कम होना, मूत्र पुरीष रेतसह, जो मूत्र पुरीष के साथ मिला हुआ आना, ठीक है। ऐसा जो शुक्र होता है, ऐसे लक्षणों से युक्त सुख, प्रजोत्पादने ना समर्था भवंती, प्रजा के उत्पादन में समर्थ नहीं होता है, सामर्थ्य नहीं होता है कि वो प्रजा का उत्पादन कर सके, क्योंकि वो अशुद्ध शुक्र है, ठीक है, ऐसा सुश्रुत ने कहा है। फिर बात आएगी आर्तव की, जो फीमेल गैमेट है। तो आर्तव क्या है, फीमेल गैमेट को आर्तव कहा गया है। आर्तव के लिए शोणित शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, जैसा कि आप पहले देख चुके हैं, शुक्र शोणित जीव संयोगी तुगलु आचार्य चरक की परिभाषा में था, ठीक है। तो संभवतः आर्तव चक्र, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, में रक्त स्राव के कारण आर्तव और शोणित पर्याय के में प्रयुक्त किया जाता है। पर्याय इसके हैं रज, आर्तव, शोणित और रसजम, ठीक है, रज, आर्तव, शोणित और रसजम इसके पर्याय हैं। जो आपका शुक्र के सिर्फ दो पर्याय थे, रेतस शुक्र या वीर कह सकते हैं उसको, और इसके चार हैं, रज, आर्तव, शोणित और रसजम। अब आती है उत्पत्ति, आर्तव की उत्पत्ति कैसे होती है। तो स्त्री शरीर में रज धातु से ही रज नामक उपधातु की उत्पत्ति होती है, जो कि रक्तवर्ण की होती है, परंतु रक्त से अलग होती है। जो स्त्री का शरीर है उसमें रस धातु जो होती है, पहली धातु जो है रस धातु, जो आहार रस के, जो आहार ग्रहण किया उसके आहार रस से रस जो धातु बनती है, उसी से रज नामक धातु बनती है, रज नामक उपधातु बनती है, उसकी उत्पत्ति हुई रज नामक उपधातु की, जो कि रेड कलर की होती है, रक्त वर्ण की होती है, रक्त का वर्ण होता है लाल, ठीक है, तो यानी कि रेड कलर की होती है, लेकिन रक्त से अलग होती है, रक्त से अलग होती है, रक्त के वर्ण की तो होती है लेकिन रक्त से अलग होती है, और रस धातु से उत्पन्न होने कारण इसका पर्याय रसज है, और रक्त रस धातु से उत्पन्न होने कारण इसका पर्याय क्या है, रसज, जैसा हम हुआ रसजम, इसका पर्याय रसज, इसका पर्याय है।
फिर आता है स्वरूप, जैसा कि हम शुक्र का स्वरूप पढ़ चुके हैं कि शुक्रम सौम्यम, वैसे ही आर्तव जो होता है वो आग्नेयम होता है, आर्तवम आग्नेयम, आर्तम जो है वो अग्नेय होता है, क्योंकि उसमें अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। उसमें क्या थी, जल महाभूत की प्रधानता थी शुक्र में, तभी वो सौम्य था, और उसमें अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है, इसलिए आग्नेय होता है, आर्तव जो है वो आग्नेय होता है। और आर्तव आने की वय, वय का मतलब होता है एज, 12 से 50, ठीक है, जो कि आपको पता होगी कि आर्तव आने की वय जो एज है वो 12 से 50 ईयर्स तक है। जैसे हमने शुद्ध शुक्र के लक्षण पढ़े थे, वैसे ही शुद्ध आर्तव के लक्षण हैं। तो आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में बताया, गुंजा फल सवर्णम चापत मालक तक सन्निभम इंद्र गोपक संकास मार्तम शुद्ध माधि सहित, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है, आपको याद कर लेना है। तो गुंजा फल सवर्णम, गुंजा फल के समान, गुंजा फल के समान वर्ण वाला, ठीक है। गुंजा फल आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा, ऐसे ही फिर भी मैं बता देता हूँ, वो रेड कलर का होता है, जो गुंजा फल होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। चाह पद्म अलक तक सन्निवम, पद्म यानी कमल के फूल के समान, जो रेड कलर का कमल होता है उसके फूल के समान, और अलक तक, अलक तक होता है महावर, जो पैरों में लगाती हैं कुछ स्त्रियां, ठीक है, तो अलक तक होता महावर, पद्म अलक तक सन्निवम, ठीक है। इंद्र गोपक, जो इंद्रगोप कीड़ा होता है, जो इंद्रगोप बीर बहुटी आदि कीड़े होते हैं जो जमीन से निकलते हैं, तो वो भी रेड कलर का होता है, जो इंद्रगोप कीड़ा होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। तो उसके समान संकाशम आर्तवम, आर्तवम तो ऐसा आर्तव जो है वो शुद्ध होता है, ठीक है। कैसा होना चाहिए, गुंजा फल के समान वर्ण वाला यानी रेड कलर का, पद्म यानी लाल कमल के समान, महावर के समान, और इंद्रगोप कीड़े के समान जो हो, ऐसा आर्तव जो है वो शुद्ध होता है, ऐसा चरक ने चिकित्सा स्थान में बताया है। फिर आता है सुश्रुत ने क्या बताया है, शुद्ध आर्तव के क्या लक्षण है, ऐसा सुश्रुत जी का क्या कहना है, ठीक है। तो उन्होंने बताया, सशास्त्रक प्रतिमन्यत्तु यद्दा लाक्षारसोपमम तदार्तवम प्रशंसन्ति यद्दा शोचा विरंजयेत, ठीक है। यानी सशास्त्रक, अस्रक माने होता है रक्त, और सशक माने होता है जो आपका खरगोश होता है, ठीक है, रैबिट जो आपका खरगोश होता है उसको शशक कहते हैं आयुर्वेद में। तो जो रैबिट के रक्त के समान हो, रक्त के रंग के समान हो, ठीक है ना, जो रैबिट होता है उसका जो ब्लड होता है उसके कलर के समान, ठीक है। यद्धा लाक्षा रसोपम, जो लाक्षा रस के समान होना चाहिए, ठीक है, रैबिट के कलर और लाक्षा रस के समान होना चाहिए। तद आर्तव प्रशंसन्ति यद्वासोचा विरंजित, और ऐसा आर्तव प्रशंसा के योग्य होता है या अच्छा होता है जो वस्त्र को रंजित ना करे, जो वस्त्र को रंग ना दे, जैसे कि अगर आर्तव गिर पड़ा है तो मतलब वो साफ हो जाए आसानी से, वस्त्र को रंजित ना करे, ठीक है। ऐसा आर्तव जो है वो शुद्ध माना गया है। फिर आता है कि आर्तव मात्रा एवं श्राव काल, आर्तव की क्या मात्रा होती है, उसका श्राव काल कितना होता है। तो मासान्य पिच दाहर्ति पंचरात्र अनुबंधिचा नैवात्ति बहुनात्यल्पमार्तवम शुद्ध माध्यषेद, ठीक है। चरक ने चिकित्सा स्थान 30 में ये बताया है कि मासान्य पिच दाहर्ति जो आर्तव होता है वो मासान्य यानी एक मास के बाद आता है, ठीक है, और जिसमें पिच दहा अर्ती माने वेदना, ठीक है, जिसमें दहा और अर्ती यानी जलन और वेदना नहीं होती है, दर्द नहीं होता है, और पंचरात्रा अनुबंधी और लगातार 5 रात्रि तक आता हो, ठीक है, एक माह के बाद आता हो, जिसमें दहा नहीं होती, अर्ती नहीं होती, मतलब वेदना नहीं होती, पंच रात्रि के लगातार 5 रात्रि तक आता है। नैवाती बहु ना तेल्प मार्तव शुद्ध मादिषेद, ठीक है, मतलब जो रक्त की मात्रा है वो ना तो बहुत बहु हो और ना ही अल्प हो, ठीक है। रक्त की मात्रा ना बहुत होनी चाहिए ना अल्प होनी चाहिए, आर्तव के रक्त की मात्रा ना बहुत होनी चाहिए ना अल्प होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आर्तव को शुद्ध माना जाता है, शुद्ध महादिषेध ऐसे आर्तव को जो है वो शुद्ध माना जाता है। फिर है आपका आर्तव के दोष, आर्तव में ये दोष मिलते हैं, वात पित्त कफ रक्त कुणप गंधी, ठीक है, रक्त के मिलने से
ग्रंथि वात और कफ के मिलने से, पूति बुए पित्त और कफ के मिलने से, छीण वात और पित्त के मिलने से, मल मूत्रंधि ठीक है, तो सन्निपातज यानी वात पित्त रक्त तीनों ही होने चाहिए और कफ भी। फिर रहता है साध्य असाध्यता, जो वातज पित्तज कफज रक्तज होते हैं वो साध्य होते हैं, लेकिन असाध्य कौन से होते हैं, जो कुड़प गंदी यानी सेकंड वाला कुड़प गंदी, ग्रंथि पूती पुए पूती पुए छीण और सन्निपातज वाला जल जो मल मूत्र आदि से मिला हुआ आता है, ठीक है।